5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, वो वॉल से अटैच है, और इस पर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, और ये फोर्स कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस फोर्स का जिससे ये ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड स्लाइड नहीं करे, राइट। फोर्स रिक्वायर्ड यहाँ पे अननोन है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, रेस्ट। ऐसे इक्विलिब्रियम दो टाइप का है, अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो भी उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स नॉन जीरो होगा तो बॉडी एक्सेलरेट या रिटार्ड करने लगेगा। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है उसको भी इक्विलिब्रियम में ही बोलते हैं, क्योंकि उस पर भी नेट फोर्स जीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट होता है, और दूसरा इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूविंग बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उसको इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट मतलब वो बॉडी रेस्ट पे है। अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो इस पे टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टोटल वर्टिकल फोर्स भी जीरो होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स है जो मैं इस पे अप्लाई करने वाला, और दूसरा फोर्स है ये वॉल जो इस पे राइट साइड में रिएक्शन फोर्स देने वाला है, क्योंकि वॉल के अगेंस्ट आप फोर्स लगाएंगे तो ये वॉल को डिफॉर्म करेगा, मतलब कुछ इस तरह का वॉल में डिफॉर्मेशन लाएगा, तो ये वॉल रीगेन करने के लिए इस पे राइट साइड में एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसी को कौन सा फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ही आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल होने वाला है फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस ब्लॉक को राइट में भी मूव नहीं करना है और लेफ्ट में भी मूव नहीं करना है। सो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय दिस वॉल ऑन दिस ब्लॉक, राइट। तो n हमेशा किसके इक्वल हो गया, f के। और फर्स्ट केस में बोला है कि म्यू जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी आप अप्लाई कर देंगे, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू ही जीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना भी आप, अब आप 10 अप्लाई करेंगे नॉर्मल भी 10 हो जाएगा, 20 अप्लाई करेंगे नॉर्मल भी 20 होगा, लेकिन म्यू ही जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, इस केस में फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगा रही है, इस पे m इंटू जी 10, यानी 50 न्यूटन का फोर्स इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स मिल ही नहीं रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन बिल्कुल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस बॉडी में टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड है, लेकिन ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है ही नहीं, जीरो है फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अब कितना भी फोर्स अप्लाई कर लेंगे इस केस में, फर्स्ट केस में इसको स्लाइड होने से नहीं बचा पाएंगे, अगर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तो कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें इनफाइनाइट भी, तो भी इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट आप लिख देंगे तो भी म्यू टाइम्स इन्फिनिटी जीरो ही हो जाएगा वो। तो फर्स्ट केस में आप इसको स्लाइड होने से नहीं बचा सकते हैं, तो इसमें लिख देंगे नॉट पॉसिबल, राइट। सेकेंड केस, अगर म्यू का वैल्यू 0.2 है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया 0.2, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिलेगा मुझे यहाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन सेकेंड केस में, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू है 0.2, सेकेंड केस में म्यू का वैल्यू है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन को एफ लिख दिए हैं। अब इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन का वैल्यू 50 होना चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स कितना चाहिए, 50 न्यूटन ही चाहिए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मुझे चाहिए 50 ही क्यों चाहिए, क्योंकि अर्थ इसे नीचे की तरफ 50 फोर्स से पुल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 50 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एफ, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और 50 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल करना है मुझे, क्योंकि इस ब्लॉक को वर्टिकली मूव नहीं कराना है। तो 50 इक्वल टू 0.2 f, सो f इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज इक्वल टू 250 न्यूटन। तो सेकेंड केस में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 250 न्यूटन। थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8, तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू है 0.8 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
वो फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है, क्योंकि जितना आप अप्लाई करेंगे वॉल उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगा फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 अभी भी लग रहा है। mg को तो सिर्फ मास से लेना देना है, आप कितना फोर्स अप्लाई किए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, वो तो m इंटू जी ही लगेगा 50। तो 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि अपवर्ड फोर्स बराबर क्या लिखना है मुझे, डाउनवर्ड फोर्स। तो इस केस में f का वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.8, तो पॉइंट हटाएंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 250/4 हो गया, 125/2, और इसको इससे कट करेंगे तो 6 और 5 है यहाँ, तो 62.5। तो इस केस में कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 62.5, और 62.5 मतलब कम ही फोर्स से काम चल जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, राइट।